समय देंगे तो उनको पूरे विस्तार से ई टेंडरिंग के बारे में जानकारी दूंगा। पत्र तो लिखूंगा ही, समय भी मांगूंगा कि आप एक तरफ कहते हो कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तो मध्य प्रदेश में किस तरह से डिजिटल इंडिया में हेरा फेरी हो रही, इसकी भी जानकारी आप ले लें। सर, आज हेमंत पिटारे मामले में आना ही था, क्योंकि बात जबरदस्ती हमारे विधायक को फंसाने की बात थी। इसके बारे में विस्तार से हमारे हेमंत कटारे जी खुद अपनी बात रखेंगे। एमपी ऑनलाइन की बात हुई और अनेक बिंदु, चाहे पीडब्ल्यूडी में घोटाले की बात हो, चाहे समदड़िया बिल्डर के रीवा की जमीन की बात हो, कुछ ऐसे मंत्री हैं, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल जी हो, चाहे सुरेंद्र पटवा जी हो, चाहे संजय पाठक हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, ये चाहे रामपाल हो, ये सब दुधारू गैया हैं हमारे शिवराज भैया की, और इन्हीं की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में लूट खसोट हो रही। और आज सर्वे जो आया है, शिवराज सिंह जी बड़े चिंतित हैं कि 100 से ज़्यादा विधायकों नैया डगमगा रही है। भैया, आप कहाँ से 200 पार, आपके वर्तमान विधायक की 100 जा रहे हैं, तो 200 पार कहाँ का सपना देख रहे हो राजलाल? मैं प्रदेश की जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की बात आपने यहाँ नहीं सुनी। हमारी भावनाएं अब प्रदेश की जनता गांव कस्बे में जाएंगी और ये मुद्दे जीवित रहेंगे जब तक शिवराज सिंह जी जैत नहीं चले जाते। सत्र में चाहे रेत अवैध उत्खनन की बात हो, चाहे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में घोटाले की बात हो जमीन की, चाहे व्यापम का मुद्दा आया हो, चाहे सिंहस घोटाले की बात हो, और एक चीज मैं कहना भूल गया, आप शायद लोगों को मालूम हो या ना हो, पूरे मध्य प्रदेश में जहां बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, तो पूरे मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय एक पुणे के कंपनी को सौंप दिया गया। आज रोजगार कार्यालय कोई अधिकारी नहीं चला रहा, वो पुणे का कंपनी संचालित कर रही है। जब आप इस तरह से घोटाला करने जा रहे हैं तो आप क्या बताएं कि सरकार के दबाव के बावजूद यहां तक कि आपको सदन में आने की अनुमति नहीं दे रहे थे, उसके बावजूद जो तत्परता आपने दिखाई, मैं आप सबका बहुत